E o professor é de uma forma formada. E este tempo podíamos ficar em uma. O começo dele que é a palavra escrita de um tempo de mal para ele. Só a autopista aberta por ele. Não pode ter mais de um tempo. E ela escrita. कांग्रेस पार्टी कर भी हम लोगों ने स्टेट बिजनेस स्टेट सपोर्ट कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है देश का विरोध तो नहीं जा रहा हूं तो अगर कांग्रेस को प्रॉब्लम है तो ठीक है इसके लिए मैं हट गया कांग्रेस लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है कर भी हम लोगों ने ये डिमांड स्वीकार किया जाए 11 अप्रैल में सर्वानंद सोनोवाल ने खुद कहा है कि वो कंसीडर करेंगे 244 और ये स्टेट आईपीएफटी का डिमांड तो सेपरेट स्टेट है मेरा तो डिमांड है कि आप एडीसी को एम्पावर कीजिए 244 एक प्रोविजन है अगर ये आ जाता है तो ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स भी खुश हो जाएंगे और जनरल एरियाज में बिगबड़ी को भी नहीं लगेगा कि स्टेट का विभाजन हुआ तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा ना कि स्टेट को दो टुकड़ा किया जाए अगर वो भी आप नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँ जब हिंदुस्तान का संविधान ने ये दिया है आपको प्रोविजन तो एक्सप्लोर करना चाहिए और रहा आई थिंक तनुमेश क्वेश्चन वॉज ना कि मैं एक रीजनल पर्सन मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मैंने 18 साल तक पॉलिटिक्स किया आज आई एम वेरी रिलैक्स मेरा वो आज सफेद कुर्ता पजामा में पहन के नहीं बैठा हूँ आपके सामने मैंने अपना क्लियरली बोला है कि मुझे एक महीना मेरा दिमाग खाली करना है मेडिटेशन करना है और जहाँ तक मुझे लगता है कि द रोल ऑफ द बुबागरा नो मैटर हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इट मे नॉट बी देयर बट द रोल ऑफ बुबागरा इज फार बेटर देन बींग a president, chairman of any political party, forget regional, forget national, it is better for me to do my role as a Prabhakar because I think that way you can talk to a journalist, you can talk to a person who may be a BJP voter, may be a Congress voter, may be an IPFT voter, may be a CPM voter. There's no restriction in me to go and talk to everyone. At least I can then help the people of our state in playing a role which is far more useful than restricting myself to people of one political party. I have seen a lot of corruption, though they may deny that there is no corruption in politics. हम सफेद कुर्ता पहनते हैं, लेकिन अंदर सफेद नहीं। और मुझे बहुत suffocation लगा कि हम दिन में कुछ और बोलते हैं शाम को कुछ और करते हैं मुझे हिपोक्रेसी और मुझे झूठ बोलना का आदत नहीं और मैंने जितना गंदगी देखा है मुझे लगा कि अगर मैं इस सिस्टम में थोड़ा दिन और रहूं तो मैं ज्यादा दिन बचूंगा और आप उसको जो भी बोले लेकिन मैं पॉलिटिक्स में आया भी था कम उम्र में आया लेकिन मैं मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का लालच नहीं था वरना मुझे बीजेपी ने बहुत ऑफर किया था 2018 में लेकिन मैं नहीं गया बिकॉज आई थॉट दैट आप अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकते तो जब बीजेपी ने मुझे ऑफर किया लास्ट ईयर मैं नहीं गया ये टाइम मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मेरे पोस्ट में कोई थ्रेट नहीं था मुझे लेकिन मैंने अपने त्रिपुरा के लोगों को एक प्रॉमिस किया था 244A और मैं प्रेसिडेंट होने से पहले मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था अगर आपको मेरा एनआरसी केस से इतना प्रॉब्लम था तो आपने मुझे प्रेसिडेंट क्यों बनाया क्योंकि प्रेसिडेंट तो आपने मुझे 6 महीने पहले बनाया एनआरसी केस तो मैंने 15 महीने पहले फाइल किया लेकिन आपको अभी प्रॉब्लम तो मैं तो अपने आइडियोलॉजी से और अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता तो मैं हट जाता हूँ बहुत लोग हटने के बाद जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो आपको हटाया जाता है तब आप कंप्लेन करते हो लेकिन मैं तो पद छोड़कर मैंने बोला है कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और रहा बात
बीजेपी के सामने कोई, मैं किसी से नहीं बोलूँ, पिछले 10 दिन में मैं एक ही आदमी से मिला हूँ जो गुजरात से है, हिज नेम इज अहमद पटेल। सो हाँ, कल मैं अपने काका के घर में गया क्योंकि वहां में श्राप था, मेरी देवी का ध्यान हुआ है, सर वन फॉर दैट, वहां में मिलकर आ गया। लेकिन सोनिया गांधी से मिला, प्रियंका गांधी से मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला, सबसे मिला, और मैंने आज तक, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट सेड वन वर्ड अगेंस्ट सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी। आप लोगों की आदत हो गया है कि कांग्रेस से मेरा सवाल पूछने के लिए। मेरा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है वो आसाम के पिटीशन से बहुत अलग है, त्रिपुरा में पटल कन्या ने भी फाइल किया है, मेरा पिटीशन उससे भी अलग है। लेकिन क्या है कि जब मैं दिल्ली जाता था तो हमारे जनरल सेक्रेटरी उस समय, शायद उनको जानकारी एनआरसी के बारे कम है क्योंकि वो हमेशा एनआरबी बोलते थे। अब मैं क्या करूँ, एक साल में आप त्रिपुरा भी नहीं आए, लेकिन एनआरसी का अगर आप एनआरबी बोलेंगे तो मतलब कि उनकी जानकारी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अब एनआरसी मेरा प्राइवेट मैटर था, आज अमित शाह जी ने भी कह दिया कि पूरा इंडिया में एनआरसी हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम है एनआरसी से। मुझे सबको लगता है कि एनआरसी के बाद लोगों का क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तैयार करना चाहिए कि जो एक्सक्लूड होंगे उनका क्या, उनके संग क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। मैं कोई नहीं होता बोलने के लिए, इसको बांग्लादेश भेज दो, इसको कैंप में रखो, इसको वो करो। मैंने सिर्फ, मेरा केस में ये था कि जो भी संवैधानिक पोस्ट होल्ड करता है वो चीफ सेक्रेटरी हो, मिनिस्टर हो, लॉ में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, उनको वो पद वो होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है तो आप, और आपने लीगल प्रोसेस लेकर आप इंडिया में नहीं आए हो, तो आप संवैधानिक पोस्ट नहीं हो सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि उनको फेंको, दलाई लामा हिंदुस्तान में 1959 से उनका फ्री मूवमेंट है, लेकिन दलाई लामा कोई राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी नहीं है या कोई भी। तो एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए फॉर डिस्प्लेस पीपल, और वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले। लेकिन मैंने पॉलिटिक्स से, कांग्रेस के प्रेसिडेंट से इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि मुझे लगा कि हम बहुत, हम ऑनेस्ट नहीं हैं अपने अप्रोच में, और डिसऑनेस्टी मुझसे नहीं हो रहा। और एक बात और है कि मैं अपना कमेटी बनाना चाह रहा था, कमेटी में मैं ज़्यादा करके यूथ, प्रोफेशनल और महिला को सामने रखकर आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन जनरल सेक्रेटरी मेरे कमेटी को अप्रूव नहीं, मतलब तो उनका एक, उनको लग रहा था कि मुझे एक दो लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि जो लोग एक दो तीन महीने पहले कांग्रेस में आए हैं उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट, जैसे कि वर्किंग प्रेसिडेंट, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि खराब दिन में जो कांग्रेस के संग रहा है उनको हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ओपनली आ गए, और मुझे लगा कि मुझे फ्री हैंड नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगा कि बेटर टू क्विट, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि आप बोलते कुछ और हैं और जब आपका कमेटी बनता है वो कुछ और है।